555 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, विकलांग महिला लगा रही जनपद बहराइच में सक्षम अधिकारियों से न्याय की गुहार, नहीं हो रही सुनवाई। तब पत्रकारों के द्वारा की गई बात, थाना फकरपुर इंस्पेक्टर महोदय से न्याय न मिलने का दिया गया आश्वासन। जनपद बहराइच के थाना फकरपुर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, सहायक ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक अहमद की खास रिपोर्ट जनपद बहराइच से। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अरे आप यशो साहब बोल रहे हैं फकरपुर से? हाँ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं पत्रकार दुर्गराज यादव जो है स्टेट है उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बताएं बताएं। सर एक समस्या हमारे पास एप्लीकेशन आई है दिनांक 12/12/2022 को पुलिस उप निरीक्षक महादुर महोदय को देवी पाटन मंडल को। एक औरत है ये कमला देवी डीहा रमटेरिया की। अच्छा अच्छा। हाँ उसने एप्लीकेशन दिया है जो है देवी पाटन मंडल उप निरीक्षक महोदय को, उसने ये दिया है कि आपके थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई, रास्ते का विवाद है इनका। जी 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 जी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पुराना इनका रास्ता था, जी जी जी, इस रास्ते पे इनके द्वारा स्वयं ही दीवार उठा लिया गया है। जी जी जी। जिससे ये अभी तक निकल रही थी। जी 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 जी। और अब जिधर से रास्ता मांग रहे हैं इनके विपक्षी जो है प्रार्थना पत्र में। हाँ विपक्षी में सर ये गौरी शंकर और माधवराम कमला देवी जिधर से रास्ता की अपेक्षा कर रही है। जी जी। और जिस जमीन से वो जाना चाह रहे हैं रास्ता लेकर के, वो जमीन ये जिनका आप बता रहे हो नाम दिए हो, क्या नाम बता रहे थे आप? सर ये गौरी शंकर हैं और अनिल कर। गौरी शंकर की वो निजी जमीन है, नंबर की जमीन है। जी जी। उसमें ये रास्ता मांग रही हैं। जी। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया जी कि इनको जो है रास्ता, चलिए मान लीजिए अगर उधर जिधर इनका निकास था अभी तक इसको बंद कर दिया है तो विवाद ना हो, कुछ बीच का रास्ता निकल जाए। जी जी जी। तो इनको गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ वहां मौके पे जो है पंचायतन चार हाथ हम लोग रास्ता दिलवा रहे थे। जी जी जी। ये सहमत हो गए है ना? जी जी जी। और कमला देवी के पास लड़के नहीं है, लड़कियां ही है, तो भी है। जी सर जी। उनके एक दामाद हैं, वही इनको जो है इनको मतलब भरण पोषण करवा रहे हैं, वही इनके साथ में रहते हैं। जी। वो हम लोगों ने उनकी निजी जमीन में से उनकी सहमति और संभ्रांत लोगों से जो है बात करवाने के बाद उनकी सहमति बनवा के चार हाथ रास्ता दिलवा दिया था। जी जी जी। शाम से हमने दिलवाया, सुबह इनको कुछ और हो सकता है कोई सलाह दिया हो या अन्य। जी जी। तो इन्होंने कहा आप चार हाथ नहीं चार मीटर लेंगे। जी जी। ठीक है ना। मौके पे लेखपाल को भी भेजा गया था, लेखपाल पुलिस सब गए थे। जी जी जी। लेकिन अब किसी की निजी जमीन में से चार हाथ तो सहमतन हम लोग करवा दिए थे। जी। चार मीटर तो फिर उसके साथ भी अन्याय होगा ना। जी 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 जी। तो ये बात नहीं हो पाई, हालांकि फिर उन्होंने ये हुआ भाई चार हाथ तो दे रहे हैं, चार मीटर तो हम लोग भी नहीं उन पर दबाव बनाएंगे। जी जी। कहेंगे लेंगे तो चार मीटर ही लेंगे। जी जी जी। इसी बात को लेकर फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था दोनों पक्षों के बीच। जी जी जी। दूसरे जमीन में नंबर की जमीन में रास्ता कैसे जबरदस्ती ले जाया जाएगा? हाँ हाँ सर वो तो प्रॉब्लम है जो है। उसको जिसने अपना रास्ता स्वयं ही बंद कर लिया, किसी अन्य ने बंद किया होता तब तो समझ में आता। जी। जिसने खुद ही रास्ता बंद किया। जी जी। तो उसको कैसे लगाया, यानी वो जान बुझ के कुछ उनके दिमाग में पूरा फास्ट है ना। जी 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 जी। ये सारी चीजें हैं। जी। भाई एक एक पक्ष की मदद करने के चक्कर में दूसरा पीड़ित ना हो जाए ये भी देखना पड़ता है। जी 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 जी। नहीं सर अगर दिखवा लें उसको जो है जैसे दिखवा लिया उसमें रेवेन्यू टीम के साथ में दिखवा लिया। जी जी है ना। जी हाँ। लेकिन वो विधिक रूप से और अन्य रूप से जो है व्यवहारिक रूप से भी उचित नहीं। व्यवहारिक रूप से चार हाथ दिलवा ही रहे थे इनको। जी जी। चार हाथ तो सहमत हो गए, मतलब सहमत नहीं हुई हो गए थे। उसके बाद मारपीट हुई, उस पक्ष को जो है चोटें भी आई उसमें। जी। वो कहा ही लिए भाई अपनी जमीन भी दे रहा, मार भी खा रहा है तो खा ही लिए कोई इतना करेगा। जी जी जी। एक मुकदमा भी लिखा हुआ है इनके खिलाफ उसी मामले में, रास्ते जबरदस्ती लेने के चक्कर में। अच्छा कमला देवी के प्रति लिखा हुआ है। हाँ हाँ जी। तो वो पूरा जो है जब ये मारपीट हुई तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सहित था वो मामला। जी जी जी। तो क्यों भाई फिर दूसरा कोई सोचेगा इनके लिए। जी 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 जी।
वो चार चार मतलब चार हाथ पे वो सहमत नहीं है। नहीं अब पहले तो सहमत था, फिर ये चार मीटर मारने चक्कर में उनको मार पीट दिए। जी जी जी। तो अपनी जमीन में से अगर आप ही की जमीन हो, अगर आप सहमत हैं कि कभी चार हाथ ले लीजिए, विवाद ना करिए जी, और आपको कोई कहे नहीं हम चार मीटर लेंगे और मार पीट दे, तो आप चार हाथ देंगे फिर? जी जी हाँ, फिर तो सर नहीं दे। अच्छा सर, ये रास्ता कौन बंद किया था? इसी ने बंद किया था? ये कमला देवी ने स्वयं अपना जो है जिधर से निकाल इनका था उधर दीवार खड़ी कर ली। अच्छा, उसने अपना दीवार खड़ा कर लिया। जी स्वयं अपना रास्ता खुद ही बंद कर लिया, दूसरी तरफ से दूसरी जमीन में चाहती है। जी 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 जी, ठीक है। तो वही सर प्रकरण ये आया था, तो हमने कहा कि आप कहीं इधर मतलब पुलिस चौकी में भी तैनात थे शायद, गंडारा या कहाँ जो हम आपको जानते हैं। अच्छा अच्छा जी, कहीं चौकी पर थे सर? हाँ थे, भंडारा तो हम थे। हाँ हाँ हाँ, तो आपको जानते हैं सर, भाई फेस जानते हैं मैं, जानता हूँ क्योंकि आता जाता रहता हूँ कैसरगंज, तो आप बराबर आते जाते रहते। तो उसी जब ये प्रकरण आया मेरे पास जो है, तो हमने कहा कि सर से समझ लें। हाँ, इनकी जो डिमांड है वो गलत है, इनकी मांग गलत है जी। इनको चाहिए भाई रास्ता, एक तो पहली बात अपना खुद का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए जी, और दूसरी मान लीजिए किसी इंटेंशन से वो उन्होंने बंद कर दिया जी, तो जी। अगला अगर चार हाथ दे रहा अपनी निजी जमीन में से तो ले लेना चाहिए ना जी, तो जी, वहाँ जी, आने जाने का रास्ता चाहिए ना। अब चार मीटर तो बहुत, चार मीटर की फर्क बनती है जी जी। वैसे हम देख रहे हैं सर इसको, मतलब अगर ये चार हाथ चार जाती है तो सर दीजिएगा सर। अब वो बात पीछे छूट गई, ये तब की बात है जब उनको उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई। जी 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 जी। अब मार खाने के बाद आदमी क्यों अपना अपनी जमीन देगा? हाँ सर, ये तो बात है, वो खत्म हो गया, उधर से नहीं संभव है रास्ता दिलाया जाना इनको। इनको जो रास्ता अपना बंद की है वही अब अपना खोलेंगे तभी हो पाए। जी जी जी, हम लोग भी नहीं उनको दबाव दे सकते ना उनकी जमीन। सही है जी भाई साहब, सही बात कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी ये प्रकरण आया था तो कुछ पत्रकारों ने भी हमारे पास फोन किया था, जिला चीफ सिटी टीवी 24 वाले कुछ किए थे, आपसे समझ ले जो है फिर जो वो करे। लेकिन चलिए ठीक है सर, हम इसको जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अब हमने पूरी स्थिति इसीलिए आपसे मैंने जानकारी कर लिया। दूसरे की मदद वहीं तक हो सकती है जहां तक लगे कि नहीं वो पीड़ित है, और जब वो दूसरे को पीड़ित करने लगे विधिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी, तो मदद जी जी संभव नहीं है सर, संभव नहीं जी। ठीक सर, प्रणाम। हाँ।